हे गाइस, गुड मॉर्निंग। इट इज़ डे टू इन चोपटा। अभी टाइम है 5:45 इन द मॉर्निंग। अभी हम तुंगनाथ ट्रेक के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से टेम्परेचर माइनस में होगा, बहुत ठंड है। आप मेरे पीछे जहाँ से देख सकते हो ना, वहाँ से ट्रेक स्टार्ट होगा और ये रास्ता ऊपर जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ठंड है, पता नहीं क्या होगा ऊपर, कहाँ तक कितने टाइम पर पहुँचेंगे, पर चलते हैं अभी। लेट्स गो। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ तुंगनाथ महादेव। ऊपर जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ रोडोडेंड्रॉन की पेड़ है और उसमें फूल खिले हुए हैं। व्यू बहुत ही ऑसम है। चराय है पर हमने ये स्टिक लिया है। ये इसका प्राइस है 50 rupees, 20 rupees है इसका रेंट। यहाँ पे घोड़ाओं के रहने की जगह है। जो लोग चढ़ नहीं पाते हैं वो लोग इनके सहारे चढ़ते हैं। 1500 इनका टैरिफ है ऊपर जाने और आने का। ऑल्दो आई डोंट सपोर्ट एनुअल राइड, जहाँ तक मेरा पैर मुझे लेके जाएगा मैं उतने तक ही जाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं। तुंगनाथ इज सिर्फ थर्ड केदार ऑफ पंच केदार एंड इट इज लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 11,385 feet, which is 3470 meters. But you know why Tunganath is so famous? Because it is the highest Shiva temple in the world. What is Panch Kedar? Panch Kedar was built by Pandavas. Rishi Vyas advised Pandavas since they were culpable for slaying their own relatives in Kurukshetra war, that their act could be only pardoned by Lord Shiva. So Pandavas were searching for Lord Shiva, and Lord Shiva was angry with them and he was hiding from them. So wo Gupt Kashi mein jaake chup gaye, but Pandavas chased him and found him. Then Lord Shiva materialized his body into a bull's body part. Later, Shiva's body in the form of bull's body parts rematerialized at 5 different locations that represents the Panch Kedar. The Pandavas built temples each of these 5 locations and to worship Lord Shiva for seeking his pardon and blessings. चलते चलते हमको यहाँ पे खूबसूरत सा एक बुग्याल दिख रहा है। पहाड़ों में ग्रास लैंड को बुग्याल बोलते हैं और ये बहुत खूबसूरत है। सनराइज नहीं हुआ है तो बहुत ठंड है। जब हम लौटेंगे यहाँ से तब हम यहाँ पे रुकेंगे, अभी हम ऊपर जाएंगे। तुंगनाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ पिक्स। इट इज़ अ 3.5 किलोमीटर ट्रेक फ्रॉम चोपटा। वो बुग्याल है और ये रास्ता गया है, पर हम शॉर्टकट से यहाँ से यहाँ तक उठ के आए हैं ये रास्ता स्किप करके। अभी ये रास्ता ऐसे ऊपर जाएगा, हम इसको भी नहीं पकड़ेंगे, ये शॉर्टकट लेके यहाँ से चढ़ के ऊपर जाएंगे। सनराइज हो गया है, माउंटेन्स भी क्लियरली दिख रहे हैं। ये रास्ता है, यहाँ से हमने लॉन्गेस्ट शॉर्टकट लिया है यहाँ से, अदरवाइज हमको यहाँ से घूम के आना पड़ता। हम यहाँ से आ गए हैं। हालत बहुत ख़राब है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरा सांस फूल गया है। मैं थोड़ा बैठूँगी फिर एक दूसरा शॉर्टकट लूँगी। नॉट सो ईजी ट्रिक फॉर एमेचर्स लाइक मी। तो कितना खूबसूरत लग रहा है, वहाँ से उठ के आए हम, पर अभी हाफ ही रास्ता आ पाए हैं, बहुत ऊपर तक जाना है।
if you do swimming, running, cycling regularly, it would be easier for you. क्योंकि उससे कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा होता है और स्टेमिना बढ़ता है. पूरा दिख रहा है रेंज क्लियरली, यहाँ तक पूरा दिखाई दे रहा है. वो रावण शिला है. ये बर्फ पड़ा हुआ है और इस साल तो बर्फ थोड़ा कम गिरा है. वो ऊपर हमको मंदिर दिखाई दे रहा है पर अभी भी बहुत ही रास्ता बाकी है वहाँ तक पहुँचने को. साढ़े दस बज गए हैं, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे. ये तुंगरा टेंपल थोड़ा ही बाकी है बस. ये हम पहुँच गए हैं तुंगनाथ टेंपल. जय बाबा तुंगनाथ. This temple is more than 1000 years old and was discovered by Adiguru Shankaracharya. Now the priest of this temple is a Brahmin of Makku village. और 6 महीना ये खुला रहता है मंदिर या 6 महीना बंद रहता है. जब बंद रहता है तो भोलेनाथ जी को मक्कू विलेज में लेके जाया जाता है और वहाँ पे उनका पूजा किया जाता है. यहाँ पे अभी भी बर्फ पड़ा हुआ है बहुत सारे. इस साल आई मीन 2021 को 20 मई को ये मंदिर ओपन होगा. अभी मंदिर बंद है, बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं. ये पार्वती मंदिर है और यहाँ पे भैरवनाथ का मंदिर है. जय हो भैरवनाथ. ये मंदिर के पीछे की तरफ है और इधर कई जगह जगह पे बहुत बर्फ पड़े हुए मिलेंगे. ईच पंचकेदार टेम्पल इज आइडेंटिफाइड विथ शिवाज और बुल्स बॉडी पार्ट. तुंगनाथ इज द प्लेस वेयर द बाहू वर सीन. द हम्प मतलब कुंज वॉज सीन इन केदारनाथ. स्टमक एंड नवल नाभि जो होता है वॉज सीन ऑन मध्य महेश्वर. हेड वॉज अपियर्ड इन रुद्रनाथ एंड जटा और हेयर वॉज सीन ऑन कल्पेश्वर. ये पंच केदार है. बेस्ट टाइम टू कम तुंगनाथ इज मई टू अक्टूबर. और अगर आप विंटर में ट्रिक करना चाहते हो बर्फ में तो यू कैन कम मिड दिसंबर टू जनवरी लास्ट. ट्राई टू अवॉइड रेनी सीजन क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है. बींग सिचुएटेड इन ए रिमोट प्लेस फैसिलिटीज लाइक ATM, पेट्रोल पम्प्स कैंट बी सीन इन तुंगनाथ, इवन नॉट इवन इन चोपता.
So you have to go to Ukimat to have these facilities and try to carry chips, biscuits, water bottles. You will definitely need that. से हम चंद्रशिला ट्रेक स्टार्ट कर चुके हैं. आप देख सकते हो कि लिटरली कोई रोड है ही नहीं, ये पैदल एक रोड है और वहाँ से चढ़ना है वो ऊपर तक, कुछ है भी नहीं. चंद्रशिला इज 1.5 किलोमीटर ट्रेक फ्रॉम तुंगनाथ और ये खरा चराई है, थोड़ा टफ भी है. कल रात को टेम्परेचर -4 से भी कम था तो आप देख सकते हो यहाँ से पानी आते आते सारे जम गए यहाँ पे. तो आप सोच सकते होगे कि यहाँ पे कितना ठंड पड़ा होगा. ये रास्ता आप देख सकते हो कि ये पत्थर के बीच से जा रहे हैं हम. पानी भी पड़ा हुआ है, स्लिपरी भी है और कोई रास्ता है ही नहीं, बस यहाँ से ही जाना है. इतना छोटा सा पैदल एक मार्ग है, बस यही चढ़ना है वो ऊपर तक, पता नहीं कहाँ तक. तो मंदिर मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा. वो समिट जो है ये तुंगनाथ से भी ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है ये और बहुत रिस्की भी है. वहाँ से हमारा ट्रेक स्टार्ट हुआ है, यहाँ से आते आते ये पहाड़ चढ़ के आए हैं. यहाँ पे कोई रास्ता है ही नहीं जो दिखाई दे रहा है लिटरली, और अभी हमको ऊपर तक जाना है. वो ऊपर है पीक, हमको वहाँ तक चलना है. अभी यहाँ से एक रास्ता जाता है और ये एक शॉर्टकट है पीक जाने के लिए, हमने इस शॉर्टकट को पकड़ा है. ये वैली भी तो बहुत सुंदर दिख रहा है. अभी वहाँ तक जाना है, वो समिट है, बस थोड़ा सा रास्ता बाकी है. पहुंच गए. वो ये चंद्रशिला's height is about 4000 meter, which is 13,000 feet. चंद्रशिला इज समिट ऑफ द तुंगनाथ. चंद्रशिला मीन्स मून रॉक. दिस पीक गिव्स पैनोरामा व्यू ऑफ हिमालयस इंक्लूडिंग नंदा देवी, त्रिशूल, केदार पीक, बंदर पूंछ एंड चौखंबा पीक्स. दिस इज वेयर लॉर्ड रामा मेडिटेटेड आफ्टर डिफीटिंग डेमोन किंग रावण. यहाँ पे जो चंद्रमा थे वो भी आके तपस्या किया था
क्योंकि उनको राजा दक्ष ने श्राप दिया था इसीलिए, तो उसी से इसका नाम है चंद्रशिला पिक। अभी हम उतर रहे हैं, उतरने के टाइम ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि रास्ता थोड़ा स्लिपी है और जो पत्थर है वो भी खिसक सकता है इसीलिए, और मौसम भी ख़राब होने लगा है, बादल ही बादल है चारों तरफ, तो शायद बारिश हो भी सकती है और भूख भी ज़ोर से लगी है इसीलिए लग रहा है देख के बारिश होने वाली है। तो बारिश अगर हो जाएगी और हम ऐसे मिट्टी के रास्ते पे ऐसे रास्ते पे होंगे ना, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है क्योंकि तब इतना स्लिपी हो जाएगा कि हम उतर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी उतरने की कोशिश कर रहे हैं, होपफुली पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हम एक पहाड़ की एज में आके खड़ा हो गए हैं, यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा दोस्त भी है। इट्स 5:30 इन द इवनिंग और अभी हम हमारा ट्रेक ख़त्म कर रहे हैं, हम पहुँच गए हैं, हम होटल से चेकआउट कर चुके हैं, अभी 6:00 है इन द इवनिंग। अभी हम सारी विलेज जा रहे हैं क्योंकि हमको सुबह वहाँ से देवरिया तल के ट्रेक करना है, बस गाड़ी में बैठेंगे और सारी विलेज जाएंगे, कोई होटल बुक करेंगे, तो टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर।